नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल वड़कम जय जनेन्द्र आदाब बड़ों को मेरा सादर प्रणाम छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? हो अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट, और ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो होती है ना, एक सकारात्मक सोच के साथ हो तो कितना अच्छा होता है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें सब्र करना सीखना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। और हम सब्र नहीं करते और हर चीज़ को जल्दी से हासिल करने के चक्कर में हमारे पास जो है हम वो भी खो देते हैं और अपनी खुशियों को भी ताला लगा देते हैं। तो दोस्तों जो मिलना है वो हमें मिल के रहेगा, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर हमने सब्र करना सीख लिया तो सारे जहाँ की खुशियाँ हमारे कदमों में होंगी। तो सब्र ही सबसे अच्छा, एक समझ लीजिए एक सफलता की कुंजी है सब्र करना। हाँ सब्र करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वाला सारे जहाँ की खुशियों हासिल जरूर कर लेता है। तो चलिए इसी सोच के साथ ब्लॉग तो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, सब्जी में बनाई थी पालक। तो ये देखिए पालक की सब्जी है ये, और गर्म गर्म मैंने रोटियाँ सेक ली हैं। तो आज का मेरा यही है खाने में। और यहाँ पे फिर मैंने फ्रूट चाट बना लिया था। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम है। एंड वीडियोज अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करिएगा। आपके कमेंट्स आपके लाइक से हमें मोटिवेट हो जाते हैं, हमें और अच्छा कुछ करने की सीख मिल जाती है। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम हो चुका था, और यहाँ पे काले गाजर का हलवा बना रही हूँ, जो कि देखने में भले अच्छा नहीं लगता, मतलब पकते टाइम अच्छा नहीं लगता, वैसे देखने में भी अच्छा लगता है, पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो काले गाजर पड़े हुए थे और ऐसे गाजर खाने में अच्छे नहीं लगते, तो मैंने सोचा हलवा बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और गाजर को क्रश करके रख लिया था। उसके बाद मैंने गाजर को फ्राई किया है, और जैसे मेरे गाजर फ्राई हो गए हैं उसके बाद मैंने उसमें दूध डाली है। मैंने आधा किलो गाजर लिया था, उसमें आधा किलो दूध के साथ पका लिया। उसके बाद जब पानी पूरी तरीके से सोख चुका था तो उसके बाद मैंने शक्कर डाल दी है। शक्कर तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए जितना आप मीठा खाते हैं। और फिर शक्कर के साथ जब शक्कर पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हो चुकी है रात, और यहाँ पे मैं रात के खाने में बना रही हूँ दाल। तूर की दाल है, तो सिंपल तरीके से मैंने बनाने को रखी है। और आज तो मेरी देसी थाली, तो बैंगन का भरता बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना बैंगन को चीरे लगा लिए हैं, ताकि ये अच्छे से भुन जाएंगे अंदर तक, और जो कीड़े वगैरह हैं वो अच्छे से मैं देख लूँगी कि बैंगन साफ तो है, कीड़े तो नहीं हैं। उसके बाद ना इसमें मैं मिर्ची और लहसुन बीच के जिस मैंने चीरा लगाया है उसमें डाल के इसको भूनूंगी, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बिल्कुल जैसे गांव के साइड होता है ना उस तरह का, वैसे ही तरीके से मैं बना रही हूँ। आप कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप भी इसी तरीके से बनाते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से? तो चलिए मैंने सब चीज़ों को तैयारी कर ली है बैंगन के लिए, और इसमें मैं टमाटर के साथ भूनूंगी। तो बैंगन के साथ टमाटर डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें मैं आलू को भी लूंगी, तो मैं आलू और बैंगन को मिक्स करके बनाऊंगी,
बैंगन आपकी मर्जी, आप केवल बैंगन का बनाते हैं तो आप बैंगन का भी बना सकते हैं, बट मैंने आलू, बैंगन और टमाटर इन सारी चीज़ों का भरता तैयार किया है, तो यहाँ पे मैं अब इसको बनने के लिए रख दे रही हूँ। इस तरीके से मैं सारे साइड से बैंगन को पलट के भून ले रही हूँ और साथ में टमाटर भी भून रही हूँ। तो चलिए, जब तक बैंगन भूनते हैं तब तक मेरी दाल तैयार हो चुकी है और दाल में मैं यहाँ पे तड़का लगा देती हूँ। तो जीरे और सूखे लाल मिर्च से मैंने तड़का दिया है दाल को, और यहाँ देखिए बैंगन भी तब तक मेरे भून के अच्छे से हो चुके हैं तैयार। तो मैंने बैंगन का छिलका निकाल लिया था और यहाँ पे मैं अचार वाला जो तेल होता है ना वो लिया है, तो इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो नॉर्मल सरसों का तेल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची, लहसुन जो मैंने भुना था और धनिया पत्ती मिक्स करके मैंने पेस्ट बनाया है। अगर आप कच्चा खाना पसंद करते हैं तो आप लहसुन और हरी मिर्ची को बारीक काट भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं जो कि बहुत टेस्ट अच्छा आएगा, और ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती लगा दी है। तो मेरा भरता हो चुका है रेडी, और इधर मैंने राइस रख दिया है बनने को, और इधर गर्मा गर्म रोटियाँ मेरी तैयार हो गई हैं और यहाँ लग चुकी है थाली। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।